भगवद गीता को हिंदू धर्म ग्रंथों में एक मुख्य स्थान दिया गया है। गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को युद्ध की भूमि में दिया गया सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में जाते हैं तो अपने सामने पितामह और सगे संबंधियों को देखकर विचलित हो जाते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें सही ज्ञान देते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे पार्थ, ये युद्ध धर्म और अधर्म के मध्य है, इसलिए अपने शस्त्र उठाओ और धर्म की स्थापना करो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा देते हैं। मनुष्य को भी धर्म का पालन करना चाहिए। इस ज्ञान के द्वारा ही अर्जुन को सही और गलत के बीच का अंतर पता चल सका और इसी के आधार पर अर्जुन ने युद्ध में विजय हासिल की। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। यह उपदेश जितना उस दौरान प्रासंगिक था उतना आज भी है, क्योंकि आज के समय में मनुष्य का जीवन ही एक युद्ध बनता जा रहा है। ऐसे में आप यहां जान सकते हैं कि किन परिस्थितियों के कारण मनुष्य पाप में भागीदार बनता है और इससे किस प्रकार बचा जा सकता है। केन प्रयुक्तवयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से यह प्रश्न पूछता है कि मनुष्य न चाहते हुए भी बुरे कर्म क्यों करता है, जिसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की वासना और निहित स्वार्थ के चलते ही वह पाप करने के लिए विवश हो जाता है। पाप करने की सबसे मोटी वजह मनुष्य की काम भावना, किसी चीज को पाने की इच्छा है, क्योंकि काम वासना से क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से भ्रम पैदा होता है, जिससे सबसे पहले बुद्धि नष्ट हो जाती है और यही मनुष्य के विनाश का कारण बनती है। गीता हिंदू धर्म का बहुत ही पवित्र धर्म ग्रंथ है। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जिसके बाद अर्जुन ने अपने अधिकार के लिए महाभारत का युद्ध किया। भगवद गीता में कही गई बातों को महत्व आज भी उसी प्रकार बना हुआ है जितना कि उस समय युद्ध की भूमि में था। महाभारत की रणभूमि में अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया ज्ञान सर्वश्रेष्ठ ज्ञान माना गया है। श्रीमद् भागवत गीता श्री कृष्ण द्वारा बताई गई बहुमूल्य बातों का एक संग्रह है। भारतीय परंपरा में गीता वही स्थान रखती है जो उपनिषद और धर्म सूत्रों का है। आज यह केवल भारत तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि देश विदेश में भी गीता का पाठ करने वाले लोगों की संख्या बहुत ही ज्यादा हो गई है। ऐसे में भगवद गीता में निहित कुछ श्लोक आपको जीवन की कठिन से कठिन परिस्थिति से निकलने में सहायता करते हैं। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि जिस प्रकार धुआं अग्नि को ढक देता है, ठीक उसी तरह काम, मोह और वासना भी मनुष्य के ज्ञान को ढक देती है। इन्हीं कारणों के चलते मनुष्य पाप करने के लिए विवश हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण पाप से बचने के कुछ उपाय भी गीता में बताते हैं, जिसके अनुसार मनुष्य को आसक्ति या विरक्ति के प्रभाव के अधीन नहीं होना चाहिए। जब किसी व्यक्ति में आसक्ति और विरक्ति का अभाव होता है तो उस जीवन को ही उत्तम माना जाता है। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना, न चाभावयत शांतिर शांतस्य कुत सुखम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस मनुष्य का मन धन, वासना, आलस्य आदि में लिप्त है, उसके मन में आत्मज्ञान नहीं होता, और जिस मनुष्य के मन में आत्मज्ञान नहीं होता उसे किसी भी प्रकार से शांति नहीं मिलती, और जिसके मन में शांति न हो उसे सुख कहां से प्राप्त होगा। अत सुख प्राप्त करने के लिए मन पर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। यह सर्वत्राण भिस्नेह सतत प्राप्य शुभाशुभम, नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सभी परिस्थितियों में अनासक्त अर्थात एक समान रहता है, ना सौभाग्य में प्रसन्न होता है और ना ही किसी विवाद या क्लेश में निराश होता है, उसे ही ज्ञान से पूर्ण व्यक्ति कहा जाता है। मित्रों, अगर खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देखकर ले। दुनिया को देखकर जो फैसला लेते हैं वह दुखी ही रहते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज की किरणें कितनी भी तेज क्यों ना हो समुद्र सूखा नहीं करते। एक पक्षी ने शिकायत की, हे मेरे ईश्वर, बड़ी मुश्किल से मैंने घोंसला बनाया था, आपने तूफान भेज दिया और मेरा घर उजाड़ दिया। ऊपर से आवाज आई, तेरे घोंसले में सांप आया था, तुझे खाने के लिए इसलिए तूफान भेजा था ताकि तुम जाग जाओ और उड़ सको और तुम्हारी जान सुरक्षित रहे।
हमारी जिंदगी में कितनी मुसीबतें आई हैं। हमें पता भी नहीं होता कि हमारा परमात्मा हमें किस तरह परेशानी से बचाता है। अगर तुम्हें लगता है कि परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आए हैं तो भरोसा रखिए, वह तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएंगे। मन की पीड़ा का कोई अंत नहीं होता, इसीलिए इसका सबसे सरल उपाय है कि अपने मन को ईश्वर को समर्पित कर दो, क्योंकि ईश्वर के साथ जुड़ने से ही जीवन में खुशियों का, सुकून का, संयम का, सहन शक्ति का, प्रेम का, नई ऊर्जा का, संतुष्टि का आरंभ हो जाता है। और हमारा मन पीड़ा से कैसे मुक्त होता है पता भी नहीं चलता। अगर प्रभु तुमसे किसी चीज के लिए ज्यादा इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहना, वो उससे कहीं ज्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा है। जो लोग मुर्दे इंसान को कंधा देना पुण्य का काम समझते हैं, काश इस तरह जिंदा इंसान को सहारा देना पुण्य समझते तो जिंदगी आसान हो जाती। मत सोच इतना कि जिंदगी के बारे में जिसने जिंदगी दी है उसने तो कुछ सोचा होगा। मन अंधा होता है, इसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता। मन कुछ नहीं जानता और ना ही सही मार्गदर्शन करता है। इसलिए आप अंधे मन की बातें मानकर जरूरी कामों को टालना बंद कीजिए। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन हमेशा आपको जरूरी कामों को करने से रोक देता है। जब आप बुद्धि के द्वारा जरूरी कामों को करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बनता चला जाएगा। लेकिन अभी आपका मन आपका दुश्मन बना हुआ है, जो आप अपना दिन बर्बाद कर रहे हैं। अधिकतर लोग अपनी तकलीफ से दुखी नहीं है जितना दूसरों की तरक्की देखकर दुखी है। प्रिय दर्शकों, भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो कि आपको जिंदगी में जो कुछ भी चाहिए वह आप भगवत गीता के ज्ञान से हासिल कर पाएंगे। अगर आप इस वीडियो में भगवत गीता की बताई गई बातों को ठीक से सुनकर और समझकर अपने जीवन में उतार दोगे तो आपकी हर इच्छा पूरी होगी, आपका हर दुख दूर होगा, हर मुश्किल आसान हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, भगवत गीता का जो ज्ञान है वो अमृत से भरा हुआ है। इस कलयुग में जो यह ज्ञान हासिल करेगा उसकी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। यह गीता का अमृत ज्ञान इंसान के मरे हुए मन में और जीवन में एक नई जान डाल देता है। तो दोस्तों, एक बात याद रखना, जो इंसान इन बातों को ध्यान से सुनेगा और यह वीडियो अंत तक देखेगा उसे अपनी हर समस्या का हल मिल ही जाएगा। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जीवन में कोई आपको धोखा दे या आपको तकलीफ दे तो उस इंसान की परवाह करना छोड़ दो और आप खुद भी दुखी होना छोड़ दो, बल्कि उससे कुछ सीख लो। मित्रों, इस दुनिया में लोग असलियत में वैसे नहीं होते जैसा आप उन्हें समझ लेते हैं। यहां पर लोग अपने मुंह पर मुखौटा लगाकर घूमते हैं। यहां हर इंसान खुद को अच्छा दिखाने के लिए कुछ भी कोशिश करता रहता है, लेकिन इस कलयुग में अच्छा बनने की कोशिश कोई भी नहीं करता। आप किसी के साथ थोड़ा भी गलत व्यवहार करके देखो, सामने वाले का असली रंग आपके सामने आ जाएगा, या फिर आपकी जिंदगी में मुश्किल समय आने पर वक्त आपको उस इंसान का असली रंग दिखाएगा। इसीलिए यह बात याद रखना कि किसी पर भी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए, किसी से भी जरूरत से ज्यादा उम्मीद नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि बाद में सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, बस एक बार तू अपना मन, अपना दिल, अपनी बुद्धि मुझ में लगाकर तो देख, फिर देखना तुझे कोई दुख नहीं दे पाएगा, तेरा दिल कोई नहीं दुखा पाएगा, तेरा दिल कोई नहीं तोड़ पाएगा। तो दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना कि इस कलयुग में आप जिससे हद से ज्यादा दिल लगाओगे या हद से ज्यादा भरोसा करोगे तो सबसे ज्यादा दुख भी आपको वही इंसान देगा। आप देखना कि इस दुनिया में दिल की कोई कदर नहीं है, कोई आपके इमोशंस नहीं समझेगा, और आपसे जब तक लोगों को फायदा होता है तब तक ही लोग आपसे मतलब रखते हैं, उसी टाइम लोग आपके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं और आपसे मीठी मीठी बातें करते हैं। जैसे ही उनका मतलब, उनका स्वार्थ खत्म हो जाता है, उसी वक्त उन लोगों का बात करने का तरीका भी बदल जाता है, और वो आपसे बात करना तो दूर आपके पास बैठना भी पसंद नहीं करते। इसीलिए कहते हैं कि जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो उस इंसान पर यकीन मत करो, वह सिर्फ एक मुखौटा है जो आपको दिखाने के लिए है, आपको फंसाने के लिए है। अब यह आप पर ही निर्भर करता है कि आपको उस इंसान के साथ फंसना है या अपनी समझदारी से काम लेना है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि आप अपने गुजरे हुए वक्त को, गुजरे हुए समय को भूल जाओ, क्योंकि अगर आप उस टाइम को याद करते हो तो खुद ही परेशान होने वाले हो, क्योंकि अगर आप गुजरे हुए वक्त के साथ जियोगे वही दुख में जीते रहेंगे तो आप पूरे जीवन में कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। जो समझदार इंसान होता है वह गुजरे हुए वक्त को भूल जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी आप अपने जीवन में खुद को अकेला महसूस करते हो
तब गीता की इस सच्चाई को ठीक से समझ लेना कि आप दुनिया में अकेले ही आए थे और अकेले ही जाने वाले हो और खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते कि इस दुनिया में, इस कलयुग में चाहे कोई इंसान मुझे माने या ना माने, लेकिन मैं उस मनुष्य का साथ कभी भी नहीं छोड़ता जो सुबह शाम मुझे याद करता है। इस दुनिया में जो भी है वह सब मेरी ही संतानें हैं, सब मेरे ही अंश है। इसलिए मनुष्य को, इंसान को, जानवरों को, सबको ईश्वर की ही संतान कहा जाता है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि आपको अकेलेपन से कभी दुखी नहीं होना चाहिए, कभी डरना नहीं चाहिए, लेकिन एक बात से जरूर डरना चाहिए, जो इंसान गलत है और पाप करता है उसका साथ कभी नहीं देना चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अकेलेपन से डरना छोड़ दो, दुखी होना छोड़ दो, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है, इसीलिए जीवन में कभी किसी की वजह से दुखी नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम उसी इंसान से करो जो मनुष्य आपके प्रेम के लायक हो। जिस इंसान को आपके प्रेम की कदर ही नहीं है, उस इंसान से जितना दूर रहोगे उतना ही अच्छा है। भगवत गीता में बताया गया है कि जो इंसान दूसरों को दुख देता है, दूसरों के साथ छल करता है, उस इंसान का अंत बहुत ही बुरा होता है। क्योंकि दुर्योधन ने पांडवों को जीवन भर दुख दिया, उनके साथ छल किया, हर पल पर उन्हें धोखा ही दिया, कभी ईमानदारी के साथ नहीं चल पाया, और उसका ऐसे परिणाम हुआ कि दुर्योधन की खुद की मृत्यु भी एक छल से ही हुई थी। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई इंसान खुद को बहुत ज्यादा चालाक समझता है कि दूसरे को दुख देकर, तकलीफ देकर दूसरे को बेवकूफ बना दिया, तो याद रखना एक दिन उसके जीवन में भी ऐसा कोई आएगा जो उसे भी धोखा देकर चला जाएगा, क्योंकि जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल भोगना पड़ता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का क्रोध ही मनुष्य का सर्वनाश कर देता है। क्रोधी इंसान का कोई मित्र नहीं होता है। हर इंसान क्रोधी इंसान से दूर भागता है, उसके सारे रिश्ते समाप्त हो जाते हैं और कोई उसके साथ रहना नहीं चाहता। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में उपदेश देते हैं कि आप चाहे कितने भी अच्छे हो, कितने भी सही हो, लेकिन आप बुरे लोगों के संगत रहोगे तो आपका भी वही हाल होने वाला है जो बुरे लोगों का होता है। आपको पता है ना कि भीष्म पितामह एक ब्रह्मचारी थे, धर्मात्मा थे, लेकिन भीष्म पितामह अधर्म के पक्ष में खड़े हो गए थे, तो अंत में उनका वही हाल हुआ जो एक अधर्मी मनुष्य का होता है। उनको मृत्यु के समय पर दुखों का सामना करना पड़ा, भयानक पीड़ा का सामना करना पड़ा। इसलिए गलत लोगों के संगत में कभी नहीं रहना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को शांत रखना चाहिए, क्योंकि जिस इंसान का मन अशांत होता है उसे अपने जीवन में दुख के सिवाय कुछ नहीं मिलता। अशांत मन मनुष्य के अंदर दुखों को ही जन्म देता है, और शांत मन, शांत दिमाग परम आनंद को जन्म देता है। गीता में कहा गया है कि मूर्ख और दुष्ट इंसान को कभी ज्ञान नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनको ज्ञान देने से उनके अहंकार को चोट लगती है और वह लोग मन में आपके बारे में वैर का भाव रखकर बैठ जाते हैं और समय आने पर आपको ही नुकसान पहुंचाते हैं, आपको ही दुख देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान आपके सामने अपनापन दिखाता है वही मनुष्य आपकी पीठ पीछे आपको जरूर नुकसान पहुंचाएगा, तो ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए। भगवत गीता में कहा गया है कि जहां आपके लिए प्रेम और इज्जत नहीं है वहां कभी नहीं जाना चाहिए। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले पांडवों की तरफ से शांति का प्रस्ताव लेकर भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर चले गए थे, उस वक्त शकुनी, जो कि दुर्योधन का मामा था, उसने दुर्योधन से कहा था कि यह कृष्ण बड़ा मायावी है, इसे संभाल कर रहना होगा, अगर यह हमारे पक्ष में आ जाएगा तो समझ लो पांडव हार ही जाएंगे, इसे बुलाओ और इसकी बहुत सेवा करो, अच्छे से खातिरदारी करो, इसको अपने घर आने का निमंत्रण दे दो, इसे खुश करने का प्रयास करो। जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंचे तब दुर्योधन ने श्री कृष्ण को अपने घर आने के लिए निमंत्रित किया और श्री कृष्ण से कहा, हे श्री कृष्ण, आप मेरे घर पर आइए, मेरा निमंत्रण स्वीकार कीजिए, मेरे घर का भोजन कीजिए। तब श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि हे दुर्योधन, मनुष्य को किसी के घर में तभी भोजन करना चाहिए, तभी जाना चाहिए जब उन लोगों का आपसे बहुत प्रेम हो या फिर हमारे जीवन में कोई बहुत बड़ी आपत्ति आ गई हो। हे दुर्योधन, कान खोलकर सुन ले, ना मेरी जिंदगी में कोई आपत्ति आई है और ना ही तुम्हारा मुंह पर कोई प्रेम है, इसलिए मैं तुम्हारे घर तो कभी नहीं आना चाहूंगा। मुझे पता है तुम मुझे अपने घर बुला रहे हो,
सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए। मैं कहता हूं कि मतलबी और स्वार्थी लोगों के घर पर कभी नहीं जाना चाहिए। प्रिय दर्शकों, इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि जिसके दिल में, जिसके हृदय में आपके लिए प्रेम नहीं है, इज्जत नहीं है, वहां आपको कभी नहीं जाना चाहिए। आपको सिर्फ उसी जगह जाना चाहिए जिस जगह पर आपकी कदर होती हो, आपको इज्जत मिलती हो और जहां आपको बहुत सारा प्रेम मिलता हो। श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान पूरी इंसानियत के लिए है, सब आत्माओं के लिए है, क्योंकि ये आत्मा को परमात्मा के बारे में, उसकी सृष्टि के बारे में और सबसे अहम, यह उन कायदों के बारे में समझाती है जिनका आत्मा को मनुष्य के रूप में हर हाल में पालन करना होगा, रक्षा करनी होगी, और इन्हीं कायदों की बुनियाद पे एक आत्मा को शरीर त्याग करने के बाद परखा जाएगा और इस परीक्षा से पास होने पे हमेशा के लिए इस जन्म और मृत्यु से मुक्ति मिलेगी। जो इंसान सच्चे दिल से इस श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान का सुनता है, उसका जीवन सफल हो जाता है, उसका कल्याण हो जाता है। इतनी पवित्र है यह श्रीमद् भागवत गीता। परमात्मा भगवत गीता में कहते हैं कि मैं ही सबकी शुरुआत हूं, मैं शुरू से भी पहले था और सब खत्म होने के बाद भी रहूंगा, सब मुझ में है और मैं सब में हूं। जो भी तुम छू सकते हो, देख सकते हो, छक सकते हो या छू सकते, वो सब मैं ही हूं। ये नदियां, पहाड़, सूरज, ग्रहण, चांद, सितारे सब मैंने बनाए हैं। मैंने ही भगवान, शैतान, राक्षस और इंसान बनाया। मैं सर्वव्यापी हूं, सब में ही रहता हूं। मैं ही ब्रह्म बनकर सब बनाता हूं और रुद्र बनके सब नष्ट कर देता हूं। भगवद गीता कहती है कि इस सबसे बड़ी परीक्षा के लिए परमात्मा ने प्रकृति का निर्माण 5 तत्व हवा, अग्नि, जल, पृथ्वी और ईथर से किया, जिन्हें हम छू के, छक के, सूंघ के और देख के हम समझ सकते हैं। पर खुद परमात्मा इन 5 इंद्रियों की समझ से बाहर हैं। उन्हें आत्मा इन इंद्रियों से नहीं जान सकती। आत्मा 5 इंद्रियों के साथ वैसे ही है जैसे एक लोहे का रोबोट, जिसे अपने बनाने वाले का कोई पता नहीं। अर्जुन को भी परमात्मा का विराट रूप देखने के लिए भगवान कृष्ण ने दिव्य नेत्र दिए। भगवद गीता समझाती है कि आत्मा अजन्मी है, इसे कोई मार नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, डूबा नहीं सकता, काट नहीं सकता, लेकिन आत्मा को परमात्मा के साथ हमेशा रहने के लिए यह परीक्षा रूपी जीवन में बैठना ही पड़ेगा। इस परीक्षा के लिए परमात्मा से बिछड़ के आत्मा को पृथ्वी पे किसी न किसी रूप में जन्म लेना पड़ता है और 88 करोड़ योनियों को जीने और भोगने के बाद एक आत्मा को मनुष्य का शरीर और दिमाग मिलता है। इस सबसे बड़ेढ़ी मर्यादाओं की परीक्षा में बैठने के लिए हर मनुष्य को इस पूरी परीक्षा के दौरान तरह तरह की अच्छी और बुरी भावनाओं की चक्रव्यूह में अपने ही भाई बहन और मित्रों के साथ डाला जाता है, जिसमें हर आत्मा को अपने अंदर के तामसिक और राजसिक अवगुणों से निकल के सात्विक जीवन में प्रवेश करने के मौके मिलते हैं। हमारे तामसिक गुण वो है जो हमारे अंदर हीन भावना पैदा करके हमें खुद को नुकसान पहुंचाते हैं, और हमारे राजसिक गुण हमें ईर्ष्यालु और लोभी बना के दूसरों के प्रति नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस परीक्षा के दौरान हर आत्मा को तामसिक और राजसिक गुणों को खत्म करके अपने सात्विक गुणों से परिचित होना पड़ेगा। सात्विक गुण वो हैं जो आत्मा को अपने आसपास की हर चीज से जोड़े रखती है और उन्हें प्यार करना सिखाते हैं। परीक्षा के दौरान हर आत्मा को जीवन के चारों स्तंभ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का ज्ञान पाके ही मुक्ति मिलती है। यही वो द्वार है जिन्हें समझकर ही आत्मा परमात्मा को समझ सकती है। पहला द्वार धर्म का है और शेर इसका प्रतीक है। धर्म वही है जो गीता में लिखा हुआ है। धर्म वही है जो धारण किया हुआ है, जिसे आपका दिल मानता है। जैसे झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, भगवान का निरादर नहीं करना, दूसरों को नुकसान नहीं देना, यही सब धर्म है। और हर आत्मा को अपने जीवन काल में हर समय धर्म का पालन करना होगा और उसकी रक्षा करनी होगी। दूसरा द्वार अर्थ का है और घोड़ा इसका प्रतीक है। हर आत्मा अपने हर जीवन काल में अपने पृथ्वी पे होने का अर्थ या मूल कारण समझेगी, इस जिंदगी में भोगने वाली चीजें और रिश्तों का आनंद लेगी। अच्छा बेटा और अच्छी बेटी, अच्छा भाई या अच्छी बहन, अच्छा पति या अच्छी पत्नी बनके हर रिश्ते पर खरी उतरेगी और इस परीक्षा को पास करेगी। तीसरा द्वार काम का है। भगवद गीता समझती है कि हर मनुष्य के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या जैसी 6 भावनाएं हमें अपने और दूसरों के प्रति नुकसान पहुंचा सकती है। इन भावनाओं को हर मनुष्य को हमेशा अपने नियंत्रण में रखना होगा, क्योंकि इनके बहाव में किया हुआ कोई भी काम हमारे जीवन भर की परेशानी का कारण बन सकता है, और एक आत्मा संतोष और सादगी से इन भावनाओं पर हमेशा के लिए विजय पा सकती है।
चौथा स्तंभ मोक्ष का है और हाथी इसका प्रतीक है। इस परीक्षा रूपी जीवन में हर मनुष्य हर समय कुछ इच्छाएं रखता है। कुछ इच्छाएं एक ही जन्मकाल में उनके पूरी हो जाती है, पर कुछ अधूरी रह जाती है और उनको पूरा करने के लिए आत्मा को वापस पृथ्वी पर आना पड़ता है। पूरी भगवद्गीता हमें समझाती है कि हमारी इच्छाएं ही मूल कारण है हमारे पृथ्वी पर वापस आने का, और अगर हम कोई भी इच्छा न रखें तो हम इस जीवन और मृत्यु से मुक्त हो सकते हैं। ये द्वार माफी का भी है। जिन्होंने आपके साथ बुरा किया उनको माफ करके, और जिनके साथ आपने बुरा किया उनसे माफी मांग के मुक्ति पाई जा सकती है। जब तक आत्माएं इन चारों दरवाजों, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को समझ नहीं लेती, तब तक इस आत्मा को बार बार मनुष्य के रूप में आना ही पड़ेगा। परीक्षा का समय खत्म होते ही आत्मा शरीर और अन्य सब वस्तुओं का त्याग कर देती है। जो भी संसार में रहकर बनाया वो अब किसी और का ही होगा, और आत्मा अपने कर्मों के फैसले के लिए चली जाती है। आत्मा के अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब होता है। अपने अच्छे कर्मों के लिए आत्मा कुछ वक्त के लिए स्वर्ग और दुष्कर्मों के लिए नर्क चली जाती है। नर्क में आत्मा को अपने पापों के अनुकूल सजाएं मिलती हैं, पर सजा खत्म होने के बाद आत्मा को फिर से एक नया शरीर और नया दिमाग मिलता है इस परीक्षा में फिर से बैठने के लिए, और हर परीक्षा में वही सब फिर दोहराया जाएगा। जिंदगी के चार स्तंभ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को समझने के लिए हर जन्म में अपने कई जन्मों के कर्मों के हिसाब से हर आत्मा को कभी अच्छे तो कभी बुरे हालातों से जाना पड़ता है। लेकिन जब तक आत्मा परमात्मा के साथ योग को नहीं समझ लेती, तब तक वो मुक्ति नहीं पा सकती। भगवद्गीता समझाती है कि मनुष्य अपने शरीर, दिमाग या दिल से भगवान को पा सकता है। शरीर द्वारा किए कर्मों के माध्यम से परमात्मा को पाने को कर्म योग कहते हैं। ऐसे कर्म जो परमात्मा की इच्छा से हो और दूसरों के कल्याण के लिए हो। वाल्मीकि ने रामायण लिख के, श्रवण ने अपने माता पिता की सेवा और उन्हें चार धाम की यात्रा कराकर अपने कर्मों द्वारा परमात्मा को पाया। श्रीमद् भगवद्गीता समझाती है कि एक आत्मा दिमाग से भी परमात्मा के साथ योग लगा सकती है। इसे राजयोग कहते हैं, क्योंकि दिमाग या मस्तिष्क सब इंद्रियों का राजा है। एक मनुष्य अपनी आस्था, श्वास प्रणाली, अभ्यास, साधना और तपस्या से परमात्मा को इस योग के रास्ते पा लेता है। इस योग को समझने के लिए हमें अपने अंदर की शक्तियों यानी चक्र और कुंडलिनी को समझना पड़ेगा। आत्मा मस्तिष्क से ध्यान लगाकर परमात्मा के साथ योग लगा सकती है। शंकराचार्य, स्वामी परमहंस, स्वामी विवेकानंद और उनके जैसे कई योगी इस योग के रास्ते परमात्मा के साथ ध्यान लगा पाए। परमात्मा भगवद्गीता में कहते हैं कि अगर किसी आत्मा को धर्म ना भी समझ आए, योग न भी समझ आए, पर अगर वो मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसके सारे पाप माफ कर देता हूं। परमात्मा को ऐसी दिल की गहराइयों से पुकार के पाने को भक्ति योग कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई और भगवान हनुमान इस योग के सबसे बड़े उदाहरण हैं। लेकिन कभी आत्मा अपने होने का मूल कारण भूल के धर्म का उल्लंघन करे या पाप के रास्ते पर निकल जाए तो उसे ठीक करने के लिए परमात्मा को खुद किसी रूप में पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में अपना आपा या अपना व्यवहार नहीं बदलना चाहिए। जो व्यक्ति सुख एवं दुख में एक समान व्यवहार रखता है और अपने काम को पूर्ण करता है, फल की चिंता किए बिना कर्मों को पूरा करता है, वही सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति कहलाता है। अन्यथा जो खुशी में लोभी हो जाता है और दुख में क्रोध का साथ देता है, ऐसे व्यक्ति से न केवल मनुष्य बल्कि देवता भी क्रोधित हो जाते हैं। ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्ते विधिपूर्वकम्। श्लोक का अर्थ है कि हे अर्जुन, जो भक्त दूसरे या अन्य देवताओं की पूजा श्रद्धा पूर्वक करता है वह भी मेरा ही पूजन कर रहा है, लेकिन उसकी यह पूजा अवधि पूर्वक होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है कि व्यक्ति विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करता है। जिस तरह बुद्धि के लिए माता सरस्वती की पूजा, धन के लिए माता लक्ष्मी की, धन और बल के लिए हनुमान जी की पूजा की जाती है, उसी तरह प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी कार्य की पूर्ति के लिए अन्य देवी देवताओं की पूजा करता है, लेकिन वह श्रद्धा भाव अंत में मेरे लिए ही होता है। इस पूजा में व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से मेरा नाम स्मरण नहीं कर रहा है, बल्कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए देवताओं की पूजा कर रहा है। गीता के अनुसार व्यक्ति को अपने क्रोध पर काबू करना सीखना चाहिए। क्रोध आने पर व्यक्ति खुद पर नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत काम कर बैठता है। क्रोध में लिए गए निर्णय अक्सर गलत होते हैं, जिससे व्यक्ति आगे चलकर पछताता है।
इसलिए क्रोध आने पर खुद को शांत करने का प्रयास करें। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार हर मनुष्य को आत्ममंथन जरूर करना चाहिए। आत्मज्ञान के जरिए ही व्यक्ति को अपने गुण और अवगुण के बारे में पता चलता है। आत्ममंथन व्यक्ति को सही गलत का निर्णय करने में मदद करता है, इसलिए कुछ समय अकेले रहकर आत्ममंथन जरूर करें। श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को स्वयं का आकलन करना भी बेहद आवश्यक है। जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे, तब तक आप स्वयं का कोई भी फैसला मजबूती के साथ नहीं ले सकेंगे। जब मनुष्य अपने गुणों और कमियों को जान लेता है, तब वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण सही ढंग से कर पाता है। गीता के अनुसार हर व्यक्ति को अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। मन बहुत चंचल होता है और यही हमारे दुखों का कारण बनता है। जो व्यक्ति अपने मन पर काबू पा लेता है, वो सफलता की राह पर चल सकता है। ऐसा व्यक्ति सिर्फ अपने कर्म पर केंद्रित रहता है और लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लेता है। श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार मनुष्य को उसके कर्मों के अनुरूप ही फल मिलता है, इसलिए परिणाम के बारे में सोचे बिना व्यक्ति को सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को उसके द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार ही फल प्राप्त होता है, इसलिए मनुष्य को सदैव सत्कर्म करने चाहिए। गीता में कही गई इन बातों को प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में मानना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्ममंथन करके स्वयं को पहचानो, क्योंकि जब स्वयं को पहचानोगे तभी क्षमता का आकलन कर पाओगे। ज्ञान रूपी तलवार से अज्ञान को काटकर अलग कर देना चाहिए। जब व्यक्ति अपनी क्षमता का आकलन कर लेता है, तभी उसका उद्धार हो पाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु एक अटल सत्य है, किंतु केवल यह शरीर नश्वर है। आत्मा अजर अमर है। आत्मा को कोई काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती और पानी गीला नहीं कर सकता। जिस प्रकार से एक वस्त्र बदलकर दूसरे वस्त्र धारण किए जाते हैं, उसी प्रकार आत्मा एक शरीर का त्याग करके दूसरे जीव में प्रवेश करती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्यों को संपूर्ण इंद्रियों को वश करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जिस मनुष्य की इंद्रियां वश में होती हैं, उसकी ही बुद्धि स्थिर होती है। जिसकी बुद्धि स्थिर होगी, वही व्यक्ति अपने क्षेत्र में ऊंचाइयों को छूता है और जीवन के कर्तव्यों का निर्वाह पूरी ईमानदारी से करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई समझदार इंसान अपने सबसे प्रिय व्यक्ति और करीबी रिश्ते को भी त्यागने के लिए तैयार हो जाए, तो समझ जाना चाहिए उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। आत्मसम्मान किसी व्यक्ति का खुद के प्रति, अपने चरित्र और आचरण के प्रति किया जाने वाला सम्मान है। इसे स्वाभिमान भी कहा जाता है। इसलिए इसमें अभिमान का भी कुछ अंश होता है, जिसके कारण इन दोनों के बीच में बहुत बारीक सी लाइन होती है। आसान भाषा में अभिमान घमंड के साथ साथ चलता है, वहीं आत्मसम्मान नैतिकता के साथ चलता है, भले ही इसके कारण कितनी ही मोटी हानि क्यों ना हो जाए। यदि कोई व्यक्ति गीता के उपदेशों को अपने जीवन में उतारता है, तो उस व्यक्ति को तरक्की के साथ प्रसिद्धि भी प्राप्त होती है। सुख एवं आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करते हैं, परंतु मनुष्य उसे स्त्री में, घर में और बाहरी सुख सुविधाओं की प्राप्ति के लिए ढूंढ रहा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान की उपासना केवल शरीर से ही नहीं, बल्कि मन से भी करनी चाहिए। ईश्वर का वंदन उन्हें प्रेम बंधन में बांधता है। मनुष्य की वासना ही उसके पुनर्जन्म का कारण होती है। मनुष्य इंद्रियों के अधीन है, इसलिए उसके जीवन में विकार और परेशानियां आती हैं। मनुष्य के अंदर धैर्य, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण सत्संग के बिना नहीं आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार शरीर से वस्त्र मैले होने पर बदलते हैं, ठीक उसी प्रकार मन में, यानी हृदय में मैल होने से उसे निकाल देना चाहिए। जवानी में जिसने ज्यादा पाप किए हैं, उसे वृद्धावस्था में नींद नहीं आती है, उसे वह पश्चाताप में बिताना होता है। भगवान ने जिसे संपत्ति दी है, उसे गाय को रखकर सेवा करनी चाहिए, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। जुआ, मदिरापान, परस्त्री गमन, अनैतिक संबंध, हिंसा, असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता, इन सब में कलयुग का वास है, इसलिए इसका और एक नाम है घोर कलयुग। अधिकारी शिष्य को, यानी जो ज्ञान प्राप्त करने में परिश्रम करते हैं, उसे सद्गुरु, अच्छा गुरु अवश्य मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने हृदय को बार बार समझने की कोशिश करनी चाहिए। ईश्वर के सिवाय उसका कोई नहीं है। साथ ही यह विचार करना चाहिए कि इस ब्रह्मांड में भगवान के अलावा कोई उसका साथ नहीं देगा। भोग में क्षणिक, क्षण भर के लिए सुख प्राप्त होता है,
साथ ही त्याग में स्थायी आनंद होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में गिरना मनुष्य के अपने ही विचारों के कारण होता है। लोभ और मोह माया, किसी से अधिक लगाव, पाप के माता पिता कहे जाते हैं। साथ ही लोभ पाप का बाप ही है। श्री कृष्ण कहते हैं कि स्त्री का धर्म है कि रोज तुलसी और पार्वती का पूजन करें, इससे उनकी सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। मनुष्य को अपने मन और बुद्धि पर हमेशा विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बार बार मनुष्य को दगा देते हैं। खुद को निर्दोष मानना बहुत मोटा गुनाह साबित होता है। पति पत्नी पवित्र रिश्ता बनाए रखने से भगवान पुत्र के रूप में उनके घर आने की इच्छा रखते हैं। भगवान इन सभी कसौटियों पर कसकर, जांच परख कर ही मनुष्य को अपनाते हैं। इसलिए मन में गलत विचार नहीं रखना चाहिए, सदैव सभी के साथ प्रेम भाव से रहना चाहिए। व्यक्ति कई प्रकार के कर्म करता है, जिनमें अधिकतर कर्म बांधने वाले होते हैं। बांधने का मतलब है अपना फल देकर व्यक्ति को जगत में फंसाए रखने वाले होते हैं, क्योंकि ये कर्म आसक्ति और अहंकार से किए जाते हैं। वहीं कुछ दूसरे प्रकार के कर्म होते हैं, जिनमें हम कर्म तो करते हैं लेकिन उनका फल हमारे चित्त में इकट्ठा नहीं होता। ऐसे कर्मों को करने की तकनीक भगवान बताते हैं कि कर्म ऐसे किया जाए कि उसके फल में आसक्ति न रहे। इसके लिए भगवान कहते हैं कि तू इन कर्मों को मुझे अर्पण कर दे। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति के अंदर कर्म करने का अहंकार नहीं रहता और उस कर्म के फल की इच्छा भी नहीं रहती। इस प्रकार ये कर्म शुद्ध कर्म कहे जाते हैं, जो व्यक्ति को बांधते नहीं बल्कि मुक्ति में सहायक होते हैं। भगवान यदि कह रहे हैं कि कर्मों और कर्म फलों को मुझे अर्पण कर दें, तो इसका मतलब भगवान हमारे कर्मों और फलों की आजादी पर अंकुश नहीं लगा रहे हैं, बल्कि कर्म करने की सही विधि से हमको सिखा रहे हैं, जिससे कर्म भी हो जाए और वह कर्म हमें परेशान भी न करें। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि व्यक्ति जिस प्रकार का व्यवहार समाज के प्रति करता है, उसके प्रति भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। जो इंसान हमारी संस्कृति, सभ्यता और धर्म का ही नाश करने पर तुला हुआ है, ऐसे दुष्टों का तो वध ही कर देना चाहिए। वेद में लिखा हुआ है, माया भिरमायनं सक्षदिन्द्र, अर्थात हे मनुष्य, तू मायावियों को, दुष्टों को, छल करने वालों को मार गिरा। महर्षि व्यास का कथन है कि जो मनुष्य जिसके साथ जैसा व्यवहार करे, उसके प्रति वैसा ही व्यवहार करना चाहिए, यह धर्म है। ठगी से व्यवहार करने वाले के साथ ठगी का व्यवहार करना चाहिए और भला करने वाले के साथ भलाई का व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार शास्त्रों में, वेदों में दुष्टों की निंदा की गई है और यथापूर्वक व्यवहार करने का आदेश दिया गया है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारा भाग्य हमारे ही अतीत के कर्मों का फल है। उसी तरह हम आज जो कर्म कर रहे हैं, वो हमारे आने वाले कल को निर्धारित करेंगे। इसीलिए हमें हमेशा अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए, ताकि हमें इसका फल भी अच्छा ही मिले। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, उनके कर्जदार और वफादार हमेशा रहिए, जिन्होंने आपके बुरे समय में आपका साथ दिया। अंजाम की खबर तो कर्ण को भी थी, लेकिन बात तो मित्रता निभाने की थी। श्री कृष्ण कहते हैं, शांति, सौम्यता, मौन, आत्मसंयम और पवित्रता, ये पांचों चीजें मन को अनुशासित करती हैं। हर व्यक्ति में ये सारे गुण होने चाहिए, तभी वह सही मार्ग पर चल सकता है। गीता में कहा गया है कि आप किसी का भाग्य नहीं बदल सकते, लेकिन अच्छी प्रेरणा देकर उसका मार्गदर्शन तो कर ही सकते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार, जीवन में कभी मौका मिले तो सारथी बनना स्वार्थी नहीं। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो अंत में उसी के विनाश का कारण बनता है। इसलिए मनुष्य को जितनी जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग देना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में खुद काटना ही होता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए, ताकि फसल अच्छी हो। गीता जी कर्मवाद को महत्व देती है, लेकिन वो यह संदेश देना चाहती है कि कर्म के हानि लाभ में उलझने के बाद मनुष्य के कर्म की गति धीमी हो जाती है और वो धीरे धीरे लक्ष्य को अपने से दूर कर देती है। इसीलिए कर्म की गति अनवरत चलती रहे, मंद नहीं पर है। इसीलिए ही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह महान संदेश दिया था कि आप चिंता किए युद्ध करते रहो, कौन हारेगा, कौन जीतेगा, यह सब काल परिस्थिति के आधार पर अपने आप तय हो जाएगा। यही बात हमारे जीवन में भी पूर्ण रूप से लागू होती है। अगर हम सब सभी चीजों का फायदा नुकसान देखकर उस कर्म को करना ही बंद कर दे, तो अंत में क्या होगा? हम सबको पता है,
कोई भी प्राणी और वस्तु इस संसार में अजर अमर और स्थायी नहीं है। ये सब जानते हुए भी हम सब कर्म क्यों करते हैं? क्योंकि इस संसार की व्यवस्था सुचारू रूप से और बिना बाधा के अराजकता की स्थिति में आए बिना सुचारू रूप से चलती रहे। हमारे मां बाप ने हमारे को पैदा किया, और अगर वो यह बात सोचने लग जाते कि पता नहीं ये वृद्धावस्था में हमारा सहारा बनेगा या नहीं, तो हो सकता था वो हमें धरती पे लाने का इरादा भी त्याग सकते थे। लेकिन उन्होंने अपना कर्म किया और फल ईश्वर के हाथ में दे दिया, तभी हम धरती पे आ पाए, और ईश्वर चाहेगा तो हम उनकी अच्छी सेवा भी कर पाएंगे। गीता के अनुसार पुनर्जन्म भी होता है, हम भूल जाते हैं। हम किसी भी योनि में जा सकते हैं जो भोग योनियां हैं, उनमें परेशान होने पर आत्महत्या तक का अधिकार नहीं होता है। एक बैल कितना भी परेशान हो जाए वह अपनी मर्जी से मर भी नहीं सकता, जो भी किया है भोगना ही होगा। किसी ने बहुत अद्भुत बात कही है कि अगर आंखें सचमुच हमेशा के लिए बंद होने से पहले खुल जाएं तो जिंदगी सुधर जाती है। दोस्तों, अगर हम कुछ कर्म ही नहीं करते तो हमारा जीवन ही व्यर्थ है, और हम मेहनत से काम करेंगे तो उसका फल जरूर मिलेगा। दोस्तों, मेहनत ही सफलता का शॉर्टकट है, कोई अन्य शॉर्टकट नहीं है। तुम्हें मेहनत करनी होगी, मेहनत करनी ही होगी। आपको ईमानदारी से प्रयास करने होंगे। अगर आप कहते हैं कि परिणाम अच्छा नहीं आया, तो आपको खुद से पूछना होगा कि क्या हमारे प्रयासों में कोई कमी है। दोस्तों, पुराणों में कहा गया है कि जो कुछ भी हमें मिलता है, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बहू बेटे, यह सब हमारे पिछले जन्म के आधार पर ही मिलते हैं। लोगों से इस जन्म में हमारा रिश्ता है, यह वही लोग हैं जिससे हमारा कभी ना कभी कोई रिश्ता जरूर था, कोई हिसाब किताब था जिसे पूरा करने के लिए भगवान हमें धरती पर भेजते हैं। दोस्तों, एक बार किसी गांव में एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था, और उसकी पत्नी और वह बहुत ही नेक विचारों के इंसान थे। उनके एक बेटी भी थी जो कि अपाहिज थी। किसान और उसकी पत्नी दोनों ही अपनी पुत्री को अपाहिज देखकर बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने अपनी बेटी के पांव का इलाज भी करवाया, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। इसीलिए किसान और उसकी पत्नी दोनों अपनी बेटी की सेवा करते थे, उसके पैरों की मालिश करते हैं, उसे अपने हाथ से खाना खिलाते थे। किसान यह सोचकर परेशान रहता था, उसके बाद उसकी बेटी का क्या होगा, उसका ध्यान कौन रखेगा। किसान के गांव के पास दूसरे गांव में एक प्रसिद्ध संत महात्मा रहते थे। किसान अपनी पत्नी के साथ उन संत महात्मा की सेवा करने जाते थे और उनके उपदेश सुनते थे, और वहां पर आए हुए लोगों की सेवा करते थे। एक दिन जैसे ही महात्मा जी का प्रवचन खत्म हुआ, किसान ने कहा कि संत महात्मा में और मेरा परिवार आपकी और लोगों की बहुत सेवा किया करते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं करते, और अहिंसा के मार्ग पर चलते हैं, और सच्चे मन से भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, फिर भी हमारी बेटी अपाहिज क्यों पैदा हुई, उसे अपाहिज देखकर हमें बुरा लगता है। किसान की यह बात सुनकर महात्मा ने अपने नेत्र बंद कर लिए और कुछ समय बाद वापस नेत्र खोले और कहा कि मैं तुम्हारा पूर्व जन्म देख लिया है, और यह सब तुम्हारे पूर्व जन्म के पापों का फल है। पूर्व जन्म में तुम अपनी पत्नी और बेटे बहू के साथ रहते थे। तुम्हारा बेटा नगर के बाहर राजा के यहां नौकरी करता था, और पिछले जन्म में जो तुम्हारी बहू थी वही अब तुम्हारी बेटी है भाई। तुम्हारे घर में एक दुधारू गाय भी थी जिसकी तुम बहुत सेवा करते थे, लेकिन अपनी बहू के साथ तुम्हारा व्यवहार बहुत गलत था। तुम सदा अपनी बहू को बहुत परेशान करते थे और उसे खरी खोटी सुनाते थे। तुम्हारी बुरी बातें सुनकर तुम्हारे बहू बहुत परेशान थी, लेकिन फिर भी वो कुछ भी नहीं बोलती थी। एक बार की बात है, वो इतनी सहेली के साथ मेला देखने चली गई थी। वापस आने पर तुमने गुस्से से एक डंडा उसकी तरफ फेंका, जिससे उसके पैर की ही हड्डी टूट गई और वह एक पैर उठाकर चलने लग गई, और पूरे जन्म में वह परेशान ही रही, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहती थी। इस जन्म में तुम्हारी बेटी तुम्हारी वही बहू है, झूठ, जो अपना हिसाब पूरा करने के लिए आई है। जैसे तुमने उसे उस जन्म में रुलाया था, वह इस समय में तुम्हें रुला रही है। हालांकि तुमने गाय की सेवा की थी, जिसके कारण तुम्हें इस जन्म में बुद्धि निर्मल मिली है, तुम्हारा ज्यादा बुरा नहीं हुआ। तुम्हें अपने कर्मों की ही सजा मिली है, इसलिए हमेशा अच्छे और नेक कर्म करने चाहिए। कर्म का फल हर पल हमें मिलते रहता है, क्योंकि एक एक सांसों में हमारे साथ जो घटना घटित हो रही है वह हमारे कर्मों का परिणाम ही है। कर्म के कारण ही हम सांस ले पा रहे हैं, तो किसी की सांस अभी अभी खत्म हो चुकी होती है। कर्म हमारी काया तो उसका फल हमारी परछाई है,
दोनों सदा साथ साथ ही रहते हैं। कर्म के कारण ही कोई आसानी से सांस ले पाता है तो कोई दमा में दम घुटता महसूस करता है। कर्म का फल हमको जागते सोते उठते बैठते भोगना ही होता है। कर्म का कुछ फल तो तुरंत मिलता है तो कुछ कर्मों के फल के लिए जन्मों जन्म इंतजार करना होता है। जैसे किसी ने आग में हाथ डाला तो तुरंत जल जाएगा, उसके लिए कल या परसों नहीं लगेगा। किंतु अपने यदि किसी का खून किया है, किसी को बेतहाशा तंग किया है, तो हो सकता है उसी जन्म में इसका फल ना मिले, लेकिन देर सवेर जरूर इसका दुष्परिणाम आपको भुगतना होगा ही। इसके फल से कोई बच नहीं सकता, चाहे ईश्वर का अवतार भगवान राम ही क्यों ना हो। उन्होंने भी बाली को छुपकर मारा था, उसके परिणाम में उन्हें श्री कृष्ण अवतार में उसी बाली के हाथों मरे जो शिकारी रूप में आया था। इसी प्रकार यदि आपने किसी की मदद की है तो ईश्वर वो मदद आप तक किसी ना किसी माध्यम से कई गुना करके लौटा देंगे। ना अच्छा कर्म मिटता है ना बुरा कर्म, यहां तक कि हमें मानसिक कर्मों की सजा भी मिलती है। इसलिए कहा जाता है, जैसे गाय का बच्चा हजारों गायों की संख्या में भी अपनी मां को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्म अपने कर्ता को भी हर हॉल में ढूंढ लेता है। अपने किसी का लिया पैसा नहीं लौटाया तो किसी जन्म में उसके नौकर या पालतू जानवर बनकर उसकी सेवा और चाकरी करेंगे, पर हिसाब तो पूरा होकर रहेगा। किसी का भला चाहा है तो वह भी आपकी किस्मत के कांटे कब दूर कर देगा आप समझ ही नहीं पाएंगे। अतः सेवा दान परोपकार जैसे पुण्य कर्म हमारे कर्म बंधनों को काटती है, इसलिए शास्त्रों में सत्कर्म करने पर जोर दिया गया है, क्योंकि अंततः हमारा उद्देश्य सभी कर्म बंधनों से मुक्त होना ही है। और जब हम कर्म का सिद्धांत समझेंगे तभी इस चक्रव्यूह से बाहर आ पाएंगे। हर कर्म का फल अलग अलग मिलता है, अर्थात बुरे कर्म के फल अच्छे कर्म के फल से निरस्त नहीं होते। कुछ कर्मों जैसे दैनिक दिनचर्या के कर्मों के फल तो साथ के साथ ही मिल जाते हैं, परंतु कुछ कर्मों के फल संचित हो जाते हैं और कुछ समय पश्चात इसी जन्म में या आने वाले जन्मों में प्रारब्ध के रूप में मिलते हैं। वर्तमान में किए जा रहे कर्म क्रियमाण कर्म कहलाते हैं। ऐसे क्रियमाण कर्म जिनके फल साथ के साथ नहीं मिलते वे संचित कर्म कहलाते हैं, और संचित कर्म प्रारब्ध के रूप में विभिन्न योनियों में भोगे जाते हैं और क्रमशः निरस्त होते जाते हैं। सबसे अंत में जीव पुनः बचे हुए कर्मों को प्रारब्ध के रूप में लेकर मनुष्य योनि में आता है। अन्य योनियों और मनुष्य योनि में यह अंतर है कि जबकि अन्य योनियों में जैसे जैसे कर्म भोगे जाते हैं वे निरस्त होते जाते हैं, परंतु मनुष्य योनि में प्रारब्ध कर्म भोगे जाने पर निरस्त तो होते हैं, परंतु हर भोगे जाने वाला कर्म नए कर्म पैदा करता जाता है। दरअसल मनुष्य योनि में भोगे जाने वाला कर्म प्रारंभ में क्रियमाण कर्म होता है जो फिर संचित और प्रारब्ध कर्मों का स्रोत बनता है। इस प्रकार यह चक्र युग युगांतरों तक चलता रहता है, जब तक जीव को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती, अर्थात जब तक वह जन्म मरण के चक्र से छूट नहीं जाता। संक्षेप में मोक्ष का भी जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि मोक्ष भी तो हमारे द्वारा किए जाने वाले कर्मों के तरीके पर निर्भर होता है। जब जीव मनुष्य के पाप और पुण्य दोनों प्रकार के कर्म फल शून्य हो जाते हैं तो वह मोक्ष का सुपात्र बन जाता है। गीता में और ब्रह्म विद्या शास्त्र में कहा गया है कि जब हम कर्म निष्काम भाव से करते हैं तो हमें उन कर्मों के फलों को भोगना नहीं होता। इसका यह अर्थ निकलता है कि मनुष्य योनि में यदि हमारे प्रारब्ध के कर्मों को भोगने का तरीका निष्काम होगा तो प्रारब्ध के कर्म तो निरस्त हो जाएंगे, परंतु नए कर्म नहीं मिलेंगे, अर्थात न संचित होंगे और न ही नया प्रारब्ध बनेंगे। निष्काम कर्म अर्थात स्वयं को परमेश्वर का दास समझते हुए परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपने कर्तव्य निभाना, परंतु उनके फल की इच्छा न रखना। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।